हरियाणा में सूरजमुखी पर MSP को लेकर भाजपा जसपा सरकार और किसान संगठन आमने सामने हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कल सोमवार दोपहर 2 बजे से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसानों ने हाईवे पर रात गुजारी। अब संयुक्त किसान मोर्चे का हरियाणा सरकार को 10 बजे तक का अल्टीमेटम का समय भी खत्म हो चुका है। किसानों ने कहा है कि सूरजमुखी पर MSP की घोषणा की जाए और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करें। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब SKM के नेता बैठकर आगे का फैसला करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर पूछा कि हरियाणा में सूरजमुखी के सबसे ज्यादा रेट, फिर भी क्या राष्ट्रीय राजमार्ग रोकना जायज है। DM शांतनु शर्मा ने कहा कि जिले में लाठी झंडे तलवार गंडासा आदि किसी भी तरह के घातक हथियार लेकर चलने, पेट्रोल डीजल के बोतल में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 को लागू कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि हरियाणा में 38,414 एकड़ में सूरजमुखी की फसल है। 8,528 किसानों को भावांतर योजना में प्रति क्विंटल 1,000 रुपए अंतरिम राहत राशि दी जाती है। अब तक 29.13 करोड़ की राशि दे चुके हैं। हरियाणा में मार्केट रेट 4,900 और 1,000 रुपए सरकार की तरफ से, यानी कि सूरजमुखी का प्रति क्विंटल रेट 5,900 रुपए मिलाकर बनता है। उसके उलट कर्नाटक में 4,077, पंजाब में 4,000, तमिलनाडु में 3,550, महाराष्ट्र और गुजरात में 3,975 प्रति क्विंटल रेट है। सरकार ने इसे सूरजमुखी की बिक्री की सच्चाई करार दिया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।